कांग्रेस को बार बार देश नकार रहा है, लेकिन कांग्रेस और उसके साथी अपनी साजिशों से बाज नहीं आते हैं और जनता ये देख भी रही है और उनको हर मौके पर सजा भी देती रही। आदरणीय सभापति जी, हमारे देश की आजादी में 1857 से लेकर के स्वतंत्र संग्राम का कोई भी दशक उठा लीजिए, हिंदुस्तान का कोई भी भूभाग उठा लीजिए, मेरे देश की आजादी की लड़ाई में मेरे देश के आदिवासियों का योगदान स्वर्णिम पृष्ठ से भरा पड़ा हुआ है। गर्व होता है देश को कि मेरे आदिवासी भाइयों ने आजादी के महात्म्य को समझा था। लेकिन दशकों तक मेरे आदिवासी भाई विकास से वंचित रहे और विश्वास का सेतु तो कभी बन ही नहीं पाया, आशंकाओं से भरी हुई व्यवस्था बनी और उन नौजवानों के मन में बार बार सरकारों के लिए सवाल उठते चले गए। लेकिन उन्होंने सही नियत से काम किया होता, नेक नियत से काम किया होता, आदिवासियों के कल्याण के प्रति समर्पण भाव से काम किया होता, तो आज 21वीं सदी के तीसरे दशक में मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन उन्होंने नहीं किया। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, पहली बार इस देश में आदिवासियों के विकास के लिए अलग मंत्रालय बना, पहली बार आदिवासियों के कल्याण के लिए, भलाई के लिए, विकास के लिए अलग बजट की व्यवस्था हुई। आदरणीय सभापति जी, हमने 110 जिलों को आकांक्षी जिलों के रूप में आइडेंटिफाई किया। जो विकास में पीछे रह गए, सामाजिक न्याय जैसे महत्व का है, एवं भौगोलिक रूप से भी जो पीछे रह गए हैं उनको न्याय दिलाना उतना ही आवश्यक होता है। और इसलिए हमने 110 आकांक्षी जिले और 110 में आधे से अधिक वो इलाके हैं जहां बहुल जनसंख्या जनजातीय है, मेरे आदिवासी भाई बहन रहते हैं। 3 करोड़ से ज्यादा आदिवासी भाइयों को इसका सीधा लाभ मिला है, उनके जीवन में बदलाव आया है। इन क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें अभूतपूर्व सुधार हुआ है, क्योंकि हमने 110 जिलों पर विशेष फोकस किया है, उनका रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं।